बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। I'm a businessman. That's what I'm supposed to do. डोनाल्ड ट्रंप पेशेवर बिजनेसमैन और अमेरिकी राष्ट्रपति 24-25 फरवरी को भारत आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में उनके स्वागत के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन होगा। अमेरिका के ह्यूस्टन में 5 महीने पहले हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की तरह ही इसे भी शानदार बनाने की तैयारी हो रही है। बीते 8 महीनों में ट्रंप और मोदी 5 बार मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ये पहली और एक ऐसी यात्रा है जिसमें वो भारत के अलावा और किसी मुल्क का दौरा नहीं कर रहे हैं, जो ये साबित करती है कि मोदी और ट्रंप की आपस में खूब जमती है। जमे भी क्यों नहीं, जब दोनों की रगों में बिजनेस खून बनकर दौड़ता है। अब इस दौरे में भी दोनों नेता अपना अपना फायदा देख रहे हैं। फिलहाल ट्रंप को इस दौरे में अमेरिकी वोट दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फायदा। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिकी सेंसस 2018 के मुताबिक इस समय अमेरिका में 27 लाख भारतीय रहते हैं। आमतौर पर अमेरिकी भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स को वोट देते आए हैं। 2016 के चुनाव में भी 57.6% भारतीयों ने हिलेरी क्लिंटन को वोट दिया और सिर्फ 29.3% भारतीयों ने ट्रंप के पक्ष में वोट किया था। जिन 16 राज्यों में भारतीयों की जनसंख्या 1% से ज्यादा है, उनमें से 10 ने क्लिंटन और 6 ने ट्रंप को चुना था। ऐसी सूरत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस यात्रा से कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में बसे भारतीय वोटरों को लुभा सकें। मोदी को फायदा। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पीएम मोदी का सपना भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, जो कि इस समय भारत की विकास दर 5% से भी नीचे गिर चुकी है। मोदी की कोशिश अमेरिका से तकनीकी सहयोग हासिल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश हासिल करने की है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके। पिछले 3 सालों में बढ़ते बेरोजगारी और डूबती अर्थव्यवस्था के चलते मोदी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि IMF की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। उसने 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े। 2016 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $114 अरब था, जिसमें अमेरिका में भारत के माल के निर्यात का मूल्य $46 बिलियन था और भारत में अमेरिका के माल के आयात का मूल्य $21.7 अरब था। भारत उन देशों में से एक है जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $25 अरब से ऊपर है। इस मुद्दे को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारी अपने भारतीय समकक्ष के साथ समय समय पर उठाते रहते हैं। ट्रंप की भारत यात्रा से पहले विवाद शुरू। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को अपने पहले दौरे पर आ रहे हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया के साथ बेटी इवांका ट्रंप भी साथ आएंगी। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजक उनके स्वागत पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आयोजक कौन है, भारत सरकार, गुजरात सरकार या डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति, क्योंकि इंटरनेट पर डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। अपनी पहली भारत यात्रा पर उत्साहित डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लेकर मोटेरा स्टेडियम तक उनके स्वागत में 1 करोड़ लोगों की भीड़ जुटेगी। ये वादा उनके दोस्त मोदी ने उनके साथ किया है। पहले ये आंकड़ा 70 लाख था, लेकिन इस दावे में एक पेच है। अहमदाबाद की कुल जनसंख्या 60 लाख है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।